प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के प्रथम नगर आगमन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रभारी मंत्री ने कहा, खरगोन के लिए पेयजल समस्या को खत्म करने के लिए नर्मदा जल खरगोन लाया जाएगा। लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती झूमा सोलंकी एवं विधायक रवि जोशी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिव तिवारी एवं जैनुद्दीन बादशाह, पार्षद अलीम शेख और बड़ी तादाद में मौजूद कांग्रेसियों ने पुष्प वर्षा कर आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। जिला योजना समिति की मीटिंग में मुख्यमंत्री जय किसान कर्ज माफी योजना एवं नर्मदा जल खरगोन लाने की परियोजना, अन्य योजनाओं को पूरा करने की विषय में चर्चा बन गई। प्रभारी मंत्री द्वारा सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया। उन्होंने खरगोन जिले में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दो दिन पहले पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आंदोलन किया। ये सिर्फ इसलिए किया कि जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब न हो, क्योंकि हर केस के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन हमने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सही से निर्देश दिया कि बिल्कुल कड़क होकर अधिकारियों के खेल करके रात्रि ग्रस्त रहे और इस तरह के अपराध नहीं होना चाहिए। भले बीजेपी वाले उसको लिखते हैं, पर इस तरह के अपराध प्रथम रहा आपका कैसा क्या रहा? आप हमारे प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा जी, इन्होंने दौरा पहली बार किया, पहला आगमन था और भारी उत्साह पूरे हमारे जिला मुख्यालय पे कार्यकर्ताओं का हुजूम था। हर जगह स्वागत हुआ और कार्यकर्ता इतने खुश थे, सभी ने स्वागत अच्छे से किया, जिला कांग्रेस ने भी किया। और फिर उसके बाद जिला योजना समिति की मीटिंग पहली बार हुई, जो बहुत पूरे देश की कहते सबसे बड़ी योजना जो कि ऋण माफ़ी की थी कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी के निर्देशों पे जो हुआ है उसको बारीकी से उन्होंने समीक्षा की कि कहीं कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए, एक भी किसान नहीं छूटना चाहिए, उनके माथे जो ऋण था उसकी माफ़ी होना चाहिए और कहीं कोई तकलीफ जाए तो वो है जवाबदारी के साथ वो बोल के गए। कलेक्टर और जितने जिले के पद के अधिकारी थे उनको स्पष्ट निर्देश दिया कि कहीं कोई कोताही बरत और काम को सक्रियता से करें। और उसके बाद पेयजल संकट, चूँकि निर्माण में हमारा कई एरिया ऐसा है जो पहाड़ी अंचल है वहाँ पेयजल की भारी संकट होती है, उस बात को लेकर भी उन्होंने प्राथमिकता दी। वैसे पहला उनका ऋण माफ़ी को लेकर था, पर फिर भी उन्होंने पेयजल जैसे विभाग को जोड़ा, उस पर भी उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया।